अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के अपराध जगत की बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की खबर सामने आ रही है, राजधानी के नाका थाने से सर्विलांस टीम मध्य जोन व थाना नाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोच लिया है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां नाका थाना टीम द्वारा किशोरी को भगा ले जाने वाले दुष्कर्म के संबंध में थाना नाका में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जहां पर आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई कर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, वही नाबालिग को किया बरामद। आइए डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर, जहां एडीसीपी मनीषा सिंह ने किया इसका खुलासा और ये प्रेस वार्ता कैंप कार्यालय पुलिस आयुक्त कार्यालय सप्रू मार्ग पर की गई। आइए डालते विशेष रिपोर्ट पर नजर। मैम, इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 18 नवंबर को थाना नाका में राजेंद्र नगर चौकी क्षेत्र स्थित एक व्यक्ति के द्वारा थाने में उपस्थित होकर के बताया गया कि उसकी बहन को आमिर नामक व्यक्ति जो है, जो कि मूलतः पारा का रहने वाला है और हाल में बाजार खाला में निवास कर रहा है, वो उसकी बहन को बहला फुसला कर ले गया है। इस सूचना पर एडिशनल SHO के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना के बाद सर्विलांस की मदद से अभियुक्त को ट्रेस किया गया और 24 तारीख को अपहर्ता को बरामद किया गया और उसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसकी उम्र की वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग 13 वर्ष आई है। और आज सुबह प्रातः ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त आमिर को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष बयान करा लिया गया है और आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा रिमांड हेतु। क्या इससे पहले भी कोई ऐसी वारदातें हुई इसने की या फिर ये पहली है? नहीं, अभी इसका आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस मुकदमे में इनको सुसंगत धाराओं की वृद्धि भी की गई है पॉक्सो एक्ट की और अन्य जो साक्ष्य जो हैं वो संकलित किए जा रहे हैं। आरोपी क्या करता है? आरोपी की जान पे आरोपी जो है वो अपने पिता के साथ सिलेंडर वगैरह सप्लाई करता था, साथ ही ये भी जानकारी हुई है कि ये ट्रक चलाता था। मैम, ये आरोपी है, ये पीड़िता के संपर्क में कैसे आया? फोन पे बात होती थी या कैसे? अब इसके संबंध में और जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किस प्रकार से ये संपर्क में आए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।